अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ छत पे और आज करने हैं बहुत सारे काम, तो इंशाल्लाह करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। पहले अपने को ये चेक करना है कि वो जो काले कबूतर का अंडा मैंने खैरे के नीचे रख रखा है उसमें बच्चे निकले या नहीं निकले। और यार शहनशाह के भी बच्चे आज निकल जाने चाहिए थे, बट देखते हैं निकले बच्चे नहीं निकले, आपको भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए अपने शहनशाह एक एक करके अब सब निकल रहे हैं अपने कबूतर। बाकी अभी इनको भी खोलना है इंशाल्लाह, इनको भी खोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल शहनशाह निकला हुआ है और वो जो सिंगल बच्चे को पाली वो मादी निकली हुई बैठी हुई है, प्लस अपना रॉकी अब निकल रहा है बाहर। आह दोस्तों मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, धूप ऊप भी नहीं है और गर्मी भी नहीं लग रही। जिस तरीके से गर्मी थी मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो अभी गर्मी की जगह ना हल्की सी ठंड भी लगती है, तो अच्छी बात है ये। रोजवार कबूतरों के लिए मैं रोटी काट के लाया था, तो देखते हैं ये खाते हैं नहीं, क्योंकि रात में भी मैंने इनको दाने नहीं दिए, क्योंकि दोस्तों यार दो दिन से लाइट भी नहीं थी, आप लोग को पता ही होगा, तो इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं ला पाया। और कल रात में ना मैंने इनको खाना भी नहीं दे पाया क्योंकि लाइट थी नहीं, अंधेरे में क्या देता। बहरहाल डालते हैं रोटी, देखते हैं खाते नहीं खाते। दोस्तों अभी रॉकी का बच्चा तो नहीं निकला, फिलहाल इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्रैक वगैरह आया कि नहीं आया। अंडे को अच्छे से देखा बट अभी इसमें कोई क्रैक नहीं आया है, तो इंशाल्लाह एक दो दिन और वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें बच्चा निकलता नहीं निकलता। खैरे का भी देख लेते हैं इसका बच्चा निकला हुआ है नहीं निकला हुआ, क्योंकि फिलहाल एक अंडा बाहर दिख रहा है मुझे, यहीं से देख लेते हैं इसको। अंडा दोनों लेके बैठो भाई, अभी फिलहाल बच्चे इसमें से भी नहीं निकले और अंडे में कोई क्रैक भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल दोस्तों देखते हैं बच्चा निकालता है नहीं निकालता, फिलहाल अंडे में भी क्रैक वगैरह नहीं है, तो एक दो दिन वेट करते हैं इसका भी, इंशाल्लाह बच्चे निकाल देगा ज़रूर। दोस्तों अभी तक ना तो रॉकी के बच्चे निकले हैं ना खैरे के बच्चे निकले हैं, तो खैरे के नीचे फिलहाल मैंने काले वाले कबूतर के अंडे रख रखे हैं, बाकी रॉकी का खुद का अंडा है, तो शायद मैंने ही काउंट सही ना किया हो कि इतने दिन में, तो इंशाल्लाह देखते हैं। और अगर नहीं निकलता तो इंशाल्लाह इसकी कैंडलिंग भी करते हैं, कैंडलिंग करने के बाद कन्फर्म होगा कि इसमें बच्चा मतलब बना। फिलहाल तो बच्चे बन रहे थे, अभी शायद मेरे काउंटिंग में ही कमी हो, तो उसको भी कैंडलिंग करके कल देख लेते हैं इंशाल्लाह, और जैसा होता फिर आप लोगों से शेयर करता हूँ। बहरहाल अभी तक तो बच्चे नहीं निकले हैं, बाकी अपने सारे कबूतर बाकी अभी ये वाला अभी नहीं खोला है, इंशाल्लाह इसको कल खोलूँगा। तो दोस्तों मौसम भी काफ़ी अच्छा है और ठंड सी आ गई है, गर्मी तो फिलहाल लग नहीं रही बिल्कुल भी, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो बहरहाल दोस्तों आज बहुत कुछ करने को सोचा था बट कुछ काम के वजह याद से जाना पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन सारे कबूतरों को भी खोलेंगे, प्लस रॉकी के और उस काले कबूतर के अंडे का भी कैंडलिंग करेंगे, आप लोग उससे भी शेयर करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यह थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप लोग कमेंट्स जरूर करके ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।